शादी के 7 फेरों का महत्व। विवाह के समय वर और वधु 7 फेरे के साथ 7 वचन भी लेते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है जिसे वर वधु जीवन भर साथ मिलकर निभाने का वादा करते हैं। लड़की विवाह के बाद लड़के के बाईं ओर बैठने से पहले 7 वचन लेती है। पहला वचन तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रियवयंकुर्या वामांगमायामी तदा त्वदीय ब्रवीति वाक्यं प्रथमं कुमारी। पहले वचन में कन्या वर से पहला वचन मांगती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा करने जाएं तो मुझे भी अपने संग लेकर जाइएगा। यदि आप कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धार्मिक कार्य करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग बानी ओर में बैठाइएगा। यदि आप इसे स्वीकार करते हो तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। दूसरा वचन पूज्यो यथा स्व पित्रो ममापि तथेश भक्तो निज कर्म कुर्या वामांग मायामी तदा त्वदीय ब्रवीति कन्या वचनं द्वितीयम्। वर से दूसरा वचन वधु लेती है कि जिस तरह से मैं अपने माता पिता का सम्मान करती आई हूँ उसी तरह से आपके माता पिता और परिजनों का सम्मान करूंगी, घर की मर्यादा का ध्यान रखूंगी, लेकिन मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और घर परिवार को अपना मानेंगे तो मैं आपके वामांग में आना पसंद करूंगी। तीसरा वचन जीवनम अवस्थात्रय मम पालना कुर्यात वामांगयामी तथा त्वदीय ब्रवीति कन्या वचनं तृतीय। तीसरे फेरे में वधू वर से ये वचन लेती है कि मैं जीवन की तीनों अवस्थाओं युवावस्था प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था मैं आपका साथ निभाऊंगी, अगर आप भी मुझे ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग आना चाहूंगी। चौथा वचन कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञा यदि कातंकुर्या वामांग मायामी तथा त्वदीय ब्रवीति कन्या वचनं चतुर्था। शादी के 3 वचन पति से लेने के बाद चौथे वचन में वर आगे आता है। इसके बाद वधु अपने पति से वचन मांगते हुए कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे, विवाह के बाद परिवार की जरूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर होगा, अगर आप इसे निभाने को तैयार हैं तो मैं आपके वामांग में आना चाहूंगी। पंचवा वचन स्वसद्य कार्य व्यवहार कर्मण्य व्यय मामापि मंत्रये था वामांग मायामि तदा त्वदीय ब्रूते वच पंचमत्र कन्या। पांचवें वचन में कन्या कहती है कि अपने घर के कार्यों में विवाह आदि में लेन देन अथवा अन्य किसी कार्य हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। छठा वचन नमेपमानम सविधे सखीना द्युतन व दुर्व्यसनन भंजश्चेत वामांग मायामी तदा त्वदीय ब्रवीति कन्या वचनन च षष्ठम। छठे वचन में कन्या कहती है कि यदि मैं कभी अपनी सहेलियों या अन्य महिलाओं के साथ बैठी रहूं तो आप किसी के सामने किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। इसी प्रकार यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार की सामाजिक बुराइयों को अपने आप से दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवां वचन परस्त्रीय मातृस्मा समीक्ष स्नेह सदा चेन में कांत कुरिया वामांग मायामी तदा त्वदीय ब्रूते वच सप्तम मत्र कन्या। आखिरी या सातवें वचन के रूप में कन्या ये वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को मां समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। शादी के 7 वचन पूर्ण होते हैं बाद ही ये रिश्ता बनता है और 2 लोग एक दूसरे के सुख दुख के जीवन 2 व्यक्ति तन मन और आत्मा के साथ एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं।